नमस्कार जी जी नमस्कार मैम। मैम, मैंने प्रॉब्लम सी, मेरा ना पेट में खराब रहता है, हाँ, भूख कम लगती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मैडम 40। देखिए, बहुत आसान नुस्खा है पंजाब वालों। ये नुस्खा घर घर में अब लोग रखने लगे बना के, क्योंकि हर घर में दो चार प्राणी, पांच लोग होते हैं जिनमें एक आध आदमी को 10 बीमारियां में से एक ज़रूर होती है, और वो है पेट खराब रहना, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, मुहासे निकलना। ये 10 बीमारियां हैं। किडनी को भी बहुत फ़ायदा देता है। लिख लें, देख लीजिए कि सौंफ तो आप जानते हैं, सौंफ, सौंठ, दो चीज़ें, 100-100 ग्राम सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, ये दो चीज़ें, ये भी 100-100 ग्राम और धनिया और मेथी, ये भी दो चीज़ें, मेथी का दाना और धनिया, 100-100 ग्राम लेके खूब बारीक पाउडर बना के घर में रखा करें। ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, कभी यूज़ करना हो तो। एक आता है नमक जैतून कहते हैं, बिल्कुल नमक जैसा ही दिखने वाला पदार्थ, ये भी खरीद के अलग रखें 100 ग्राम, और एक चुटकी 2 गिलास पानी में ये मिला दें, नमक जैतून। ये नमकीन नहीं होता, ब्लड प्रेशर वाले भी इसे ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर में बड़ा फ़ायदा देता है। तो ये जो 6 चीज़ों का पाउडर आपने बनाया, 1 चम्मच खाएं और ये 2 गिलास पानी, एक चुटकी नमक मिला हुआ पी लिया करें दिन में एक बार या दो बार। 10 बीमारियों में बड़ा अच्छा काम करता है, और भी ज़्यादा बीमारियों में, पेट को, पूरे सिस्टम को, बवासीर को, इन्फेक्शन को, गैस को, कब्ज़ को, दर्द को, लीवर के लिए, किडनी के लिए, स्किन के लिए। मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा नुस्खा कभी नहीं देखा।